Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's topic is DEXA scan. तो आज हम लोग DEXA scan के बारे में पढ़ेंगे. DEXA scan क्या है, indication DEXA scan की, contraindication, patient preparation और procedure और scoring कैसे करते हैं DEXA scan की. So let's get started. What is DEXA scan? DEXA scan ये एक रेडियोलॉजी टेस्ट है. बोन डेंसिटी टेस्ट को BMD टेस्ट और DEXA scan भी कहा जाता है. BMD मीन्स होता है बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री और DEXA मीन्स ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेट्री. ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है. नॉन इन्वेसिव मीन्स विदाउट कटिंग द बॉडी. ये टेस्ट बोन को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है. जब डॉक्टर को लगता है कि बोन वीक हो रही है तब डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने के लिए बोलता है. बोन डेंसिटी टेस्ट क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पस है और क्या रीज़न है? ये बोन की डेंसिटी और थिकनेस को मेज़र करने के लिए किया जाता है. तो इस टेस्ट को बोन की डेंसिटी और थिकनेस को मेज़र करने के लिए परफॉर्म करते हैं. बोन डेंसिटी टेस्ट के थ्रू बोन में कैल्शियम और अदर टाइप के मिनरल सब्सटेंसेस को मेज़र किया जाता है. ये बोन के उसी एरिया के बारे में बताते हैं जिस एरिया का स्कैन किया गया है. इसका यूज़ ऑफनली ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है और इनको डेवलप करने वाले रिस्क को पता लगाने के लिए किया जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस इट मीन्स पोरस बोन. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती है, जिससे सडन और अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. और बोन डेंसिटी मीन्स क्या होता है? बोन टिश्यू में जो अमाउंट ऑफ बोन मिनरल होता है उसको बोन डेंसिटी कहते हैं. लेट्स सी द इंडिकेशन ऑफ DEXA स्कैन. DEXA स्कैन किस किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट यूजुअली बोन की स्ट्रेंथ को चेक करने, उसकी डेंसिटी और थिकनेस को चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है. ये टेस्ट उन केसेस में परफॉर्म किया जाता है जब डॉक्टर को डाउट होता है कि बोन वीक हो रही हैं. स्पेसिफिकली बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट को कुछ फॉलोइंग केसेस में रिकमेंडेड करते हैं. जैसे कि अगर किसी फीमेल और मेल की एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है तो उस केस में DEXA स्कैन किया जाता है. अगर किसी पर्सन को करंट फ्रैक्चर हुआ है तो उस केस में भी DEXA स्कैन परफॉर्म करते हैं. या फिर किसी पर्सन को प्रीवियस फ्रैक्चर की हिस्ट्री है तो उस केस में भी इस टेस्ट को रिकमेंडेड करते हैं. रेमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में भी DEXA स्कैन परफॉर्म किया जाता है. रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून और एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है. ये प्राइमरली जॉइंट्स पर अफेक्ट डालती है. रेमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग हो सकती है. तो इस कंडीशन में बोन की स्ट्रेंथ, उसकी डेंसिटी, उसकी थिकनेस को मेज़र करने के लिए DEXA स्कैन परफॉर्म करते हैं. या फिर अगर किसी की हार्मोन ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है तो उस केस में परफॉर्म करते हैं. अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है तब परफॉर्म करते हैं. या फिर कोई पर्सन मोर देन 3 मंथ से स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा है तब भी DEXA स्कैन परफॉर्म करते हैं. ऐसे पेशेंट्स को हर 6 मंथ में बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है. अर्ली मेनोपॉज की कंडीशन में करते हैं. मेनोपॉज मीन्स क्या होता है? इट इज़ द एंड ऑफ द वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल. दैट मीन्स कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है परमानेंट, उसको मेनोपॉज बोलते हैं. नेचुरल मेनोपॉज यूजुअली अराउंड 50 ईयर्स की एज में होता है, जबकि अर्ली मेनोपॉज क्या होता है, ये अकर होता है बिफोर द एज 40 ईयर्स. ये फीमेल की लाइफ का वो टाइम होता है जब परमानेंटली मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाता है. तो इस कंडीशन में फीमेल की बोन वीक हो जाती हैं या फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए DEXA स्कैन परफॉर्म करते हैं. अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी DEXA स्कैन परफॉर्म करते हैं. हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है? इट मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन. जब थायरॉयड हार्मोन का हाई लेवल प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स कि जब थायरॉयड
थायरोक्सिन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन करता है तो उस कंडीशन को हाइपरथायरोडिज्म कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी डेक्सा स्कैन परफॉर्म करते हैं, या फिर किसी को वर्टीब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर है उस कंडीशन में भी डेक्सा स्कैन परफॉर्म किया जाता है, या फिर किसी पर्सन को ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट है तो उस कंडीशन में भी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। विटामिन डी डिफिशियंसी के केस में भी इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द डेक्सा स्कैन, किस किस कंडीशन में डेक्सा स्कैन को परफॉर्म नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी के केस में नहीं करते, या फिर रिसेंट GIT कॉन्ट्रास्ट स्टडी वेरियम एग्जामिनेशन, या फिर किसी का CT स्कैन कॉन्ट्रास्ट स्टडी हुई है या रेडियो आइसोटॉप स्कैन हुआ है तो डेक्सा स्कैन का करेक्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है, इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन कहा जाता है डेक्सा स्कैन की। अगर किसी पर्सन का मोर देन 120 kg वेट है तो उस कंडीशन में भी परफॉर्म नहीं करते हैं, या फिर किसी पर्सन के स्कैन साइट में स्क्रू है या मेटेलिक रोट है तो उसको भी डेक्सा स्कैन का कॉन्ट्राइंडिकेशन बोला जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेशेंट प्रिपरेशन ऑफ द बोन डेंसिटी टेस्ट। इसमें कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस इसमें एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर पेशेंट कैल्शियम सप्लीमेंट लेगा तो उससे क्या होगा, रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। इसलिए बिफोर द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के लिए मना किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर। एग्जामिनेशन वाले दिन पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है। अगर नीड है तो पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन वेयर करवाते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेक्सा मशीन से लो डोज एक्सरेज 2 डिफरेंट एनर्जी की बीम एमिट करती है, जिसमें से एक हाई एनर्जी बीम जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और एक लो एनर्जी बीम जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ये दोनों बीम बोन के थ्रू पास होती हैं, फिर डिटेक्टर इन बीम्स को डिटेक्ट करता है और मेजरमेंट करता है। तो इन दोनों बीम के थ्रू क्या होता है, फिर इमेज जनरेट होती है, उसके बाद डॉक्टर इस इमेज के थ्रू बोन डेंसिटी को मेज़र करता है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस रिड्यूस कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि पेशेंट को मूव नहीं करना है। स्पाइन एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पर टेबल पर लिटाते हैं और नी को फ्लेक्स करवाते हैं ताकि लंबर लोडोसिस को रिमूव कर सकें। L2, L3 और L4 वर्टीब्रा एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लिटाकर उसकी स्कैनिंग करते हैं। फीमोरल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पर लिटाते हैं टेबल पर, उसके बाद अपर फीमर को स्कैन करते हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट के रिजल्ट को 2 नंबर्स में रिपोर्ट किया जाता है, एक होता है टी स्कोर और दूसरा होता है जेड स्कोर। टी स्कोर बोन की बोन डेंसिटी होती है, जिसका कंपैरिजन हेल्दी यंग एडल्ट की बोन डेंसिटी से किया जाता है। अगर टी स्कोर -1 या 1 होता है तो बोन डेंसिटी एज अ नॉर्मल कंसीडर्ड करते हैं। अगर टी स्कोर 1 से 2.5 के बीच में आता है तो ये स्कोर ऑस्टियोपीनिया को इंडिकेट करता है। ऑस्टियोपीनिया मीन्स लो बोन मास। और अगर टी स्कोर 2.5 से नीचे आता है तो ये स्कोर ऑस्टियोपोरोसिस को इंडिकेट करता है। रेड स्कोर सेम एज और सेम जेंडर के अदर लोगों के साथ बोन डेंसिटी को कंपेयर करता है। अगर जेड स्कोर नॉर्मल से काफ़ी कम या ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि बोन्स में एबनॉर्मली डैमेज होने का कारण कुछ और भी हो सकता है। लो जेड स्कोर बिलो 2 डिफाइन करते हैं एज अ लेस बोन मास, और ये फ्रैक्चर के रिस्क की पॉसिबिलिटी को इनक्रीज करता है। डेक्सा स्कैन टेस्ट को करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 मिनट्स लगते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।